नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल ऑटोमेशन माइंडसेट में। तो दोस्तों, हम जो है यूट्यूब के जरिए आपको आपको पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको चेकलिस्ट बनाना, आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन बनाना, गूगल फॉर्म बनाना, FMS बनाना, इस तरीके की काफ़ी रिलेटेड चीज़ें जो है हम आपको सिखाते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है और आपको अपनी कंपनी के लिए कोई सिस्टम बनवाना है, तो हम आपको इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और आपको अगर कोई सिस्टम बनवाना है, तो ये हमारे नंबर है, इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं? हम आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आपको अपनी कंपनी के लिए व्हाट्सएप बॉट बनवाना है, तो आपको व्हाट्सएप बॉट बना के देते हैं। अगर आपको कोई कस्टमर की इंक्वायरी है और उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाए, ऑटोमेटिक उसको कोटेशन चला जाए, इस तरीके का सिस्टम बनवाना है, वो हम बना के देते हैं। आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड सिस्टम बनवाना है, प्रोडक्ट मॉनिटरिंग सीट बनवानी है, फुल किटिंग सीट बनवानी है, आपको मटेरियल जो है कम वेस्टेज हो, उस तरीके का सिस्टम बनाना है, या आपको कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सिस्टम बनाना है, कॉस्टिंग निकालनी है हर चीज़ की, तो वो सिस्टम भी हम बना के देते हैं। अगर आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई सिस्टम बनाना है, जिससे प्लांट की परफॉर्मेंस बेटर रहे, वो सिस्टम बनाना है, वो हम बना के देते हैं। बजट करना है अगर आपको अपनी कंपनी के लिए, तो बजट से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। अगर आपको KPI निकाल अपने एम्प्लॉयज़ की जो है MIS सिस्टम बनवाना है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो हम बना के देते हैं। FMS बना के देते हैं हम, टास्क रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बना के देते हैं। उसके अलावा अगर आपको इन्वेंट्री रिलेटेड कोई सिस्टम बनाना है अपना, तो इन्वेंट्री रिलेटेड सिस्टम बनाते हैं। उससे आपको व्हाट्सएप पे ऑटो लाइव रिप्लाई चला जाएगा, जिसमें आपको जो भी आज की जो इन्वेंट्री रहेगी वो आपको उसमें दिख जाएगी। आप हम आपको टिकट बुकिंग रिलेटेड सिस्टम बनाते हैं। अगर आपको टिकट बुकिंग से रिलेटेड कोई सिस्टम बनवाना है, वो हम बना के देते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बना के देते हैं आपको, आपको ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर बन जाए, वो वेंडर को चला जाए, उस पर डिजिटल सिग्नेचर हो जाए MDA, इस तरीके का सिस्टम आपको बनवाना है, वो बना के देते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनवानी है, तो वेबसाइट बना के देते हैं। और अगर आपको कंपनी के लिए अपना पूरा गूगल शीट से और गूगल फॉर्म के जरिए, गूगल शीट, गूगल स्क्रिप्ट के जरिए पूरा ERP सिस्टम बनवाना है, तो पूरा ERP सिस्टम भी बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ऑल ऑफ इंडिया में हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए। हमारे नंबर मैंने आपको ऊपर मैंशन कर रखा है, यहाँ पर मेरे नंबर है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, आपका सिस्टम बताइए, आपको कौन सा सिस्टम बनवाना है, हम आपको पूरा सिस्टम बना के देते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्वेंट्री शीट को आप व्हाट्सएप पे कैसे भेज सकते हो। अगर आपको MD को डेली जो है इन्वेंट्री शीट, उनको व्हाट्सएप पे चाहिए कि मेरी इन्वेंट्री का क्या स्टेटस है, क्योंकि शीट तो जो है MD खोल के देखने वाले हैं नहीं, उनको हर चीज़ व्हाट्सएप पे चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे वो लाइव इन्वेंट्री देख सकते हैं। सो आपको अगर डेली मॉर्निंग में उनको रिपोर्ट भेजनी है व्हाट्सएप पे कि आपको इन्वेंट्री जो है क्या स्टेटस चल रहा है, उसके PDF बन के और उनको व्हाट्सएप पे चले जाए, तो वो किस तरीके से आप कर सकते हो, तो वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्वेंट्री शीट जो है, इसका वीडियो मैंने पहले से डाल रखा है कि मैंने किस तरीके से इन्वेंट्री शीट बनाई है। तो यहाँ पे जो है मैंने सभी आइटम्स के नाम ले रखे हैं, और उनकी जो अवेलेबल क्या स्टॉक है वो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, उसकी प्राइस क्या है, कितनी कॉस्ट है, वो सारा मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। यहाँ पे जो है परचेज ऑर्डर, उसको क्या लेना है, कौन सा स्टॉक आउट है, वो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बता रखी है, तो आप मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने डाला है वो आप देख सकते हो। इन्वेंट्री के ऊपर मैंने ये पूरा सिस्टम उस पर एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से ये प्राइस निकलती है, कितने कैपिटल होल्ड है, ये सारा कुछ मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अब इसको व्हाट्सएप पे कैसे भेजें अपन, तो वो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, देखो मेरे को ये दो चीज़ें भेजनी है उनको, एक तो ये इन्वेंट्री जिसमें सभी आइटम्स की डिटेल है, और एक ये जो कि स्टॉक आउट डिटेल है। तो ये मैंने कैसे बनाया है, तो मैं आपको दूसरी शीट दिखाता हूँ। सो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट रेंज से ये डेटा जो है इन्वेंट्री वाली शीट से मैं इम्पोर्ट रेंज से यहाँ लेके आ गया हूँ। यहाँ मेरे को जो नहीं चाहिए थे वो मैंने कॉलम हाइड कर दिए हैं, जिसे आप देख ही रहे हो कि मैंने यहाँ पे कॉलम हाइड कर रखे हैं। तो मेरे को जो नहीं चाहिए PDF के अंदर, वो मैंने यहाँ पे हाइड कर दिए हैं। जो जो मेरे को दिखाना है वो मैंने अनहाइड करके रखा है। तो मेरे को सिर्फ उनको PDF में ये दिखना चाहिए कि मेरा आइटम का नाम क्या है, उसकी जो प्राइस है वो क्या है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, मेरे स्टॉक में कितना रख सकता हूँ, और आज के टाइम में कितना अवेलेबल है,
और इनको स्टॉक परसेंटेज क्या चल रहा है मेरा, वो उनको देखना है। उसके बाद में उनको ये फिल्टर डेटा देखना है कि स्टॉक आउट आइटम कौन से हैं। तो यहाँ पे उनको स्टॉक आउट आइटम्स दिख जाएंगे, तो जो जीरो है वो जीरो वाले ऊपर आ जाएंगे, फिर इस तरीके से ये परसेंटेज के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है 60% से बिलो जो आइटम्स हैं वो मैंने यहाँ पे ले रखा है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कलर कोडिंग भी कर रखी है, तो यहाँ पे जो है 33% या उससे नीचे वाले हैं वो मैंने रेड कर रखे हैं, बाकी मैंने येलो कर रखे हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें कलर भी डाल रखे हैं। तो ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, ये यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे जो है मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है। सो मैंने यहाँ पे जो है 66 से 33 के बीच का ले रखा है, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे रेड वाले में 33 से बिलो का ले रखा है। सो यहाँ पे मैंने सिंपल सी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल के और इस तरीके से इसको कर रखा है। सो अब जो है ये रिपोर्ट आप किस तरीके से भेजोगे वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप भेजना चाहते हो स्टॉक आउट वाली रिपोर्ट, सो ये चले जाए आपके पास। उसके बाद में आपको साथ में ये भी जो है PDF में चली जाए, तो उनको अगर स्टॉक आउट वाली देखनी है तो स्टॉक आउट वाली देख लेंगे, IMS देखनी है IMS देख लेंगे। तो ये किस तरीके से होगा वो मैं बताता हूँ आपको। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट में जाके यहाँ जनरेट PDF करना है। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट डाल रखी है जिससे कि ये जो शीट है वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे जस्ट कन्वर्ट PDF कर लेना है आपको। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो चुका है। पहले यहाँ 6 तारीख की PDF थी जो कि मैंने टेस्ट करके देखा था और वो सक्सेसफुली हो गया, तो मैं आज वीडियो बना के आपको दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे मेरी PDF बन गई। ये PDF किस तरीके से बनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से मेरी जो है PDF बन गई है। सो ये मेरी PDF है जिसमें कि सबसे पहले उनको ये डिटेल दिख जाएगी और इसी तरीके से ये जो नीचे आइटम है वो दिख जाएंगे। तो जो स्टॉक आउट वाली जो है वो भी इसके अंदर आ गई है, और पूरी जो मेरी टोटल इन्वेंट्री है वो भी इसके अंदर PDF में दोनों शीटें मर्ज होकर आ गई है। तो अब ये PDF जो है अपने को व्हाट्सएप पे भेजना है, तो व्हाट्सएप पे कैसे भेजेंगे। सो मैं आपको मेरी व्हाट्सएप की शीट दिखाता हूँ। ये मेरी मेटीपाई वाली शीट है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इम्पोर्ट रेंज के जरिए मैं यहाँ पे ये टाइम स्टैम्प लेके आ गया उसी वाली शीट से, और ये जो लिंक है जो वहाँ जनरेट हुआ था वो जो ये लिंक है वो मैं इम्पोर्ट रेंज से लेके गया। ये टाइम स्टैम्प जो है वो मैं इम्पोर्ट रेंज से लेके चला गया। तो यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट रेंज का फॉर्मूला लगा रखा है जैसा कि आप देख रहे हो। तो मैंने इम्पोर्ट रेंज से वो लिंक यहाँ पे उठा के लेके आ गया मैं, और इम्पोर्ट रेंज से ही मैं टाइम स्टैम्प यहाँ पे उठा के लेके आ गया। इसका मैंने फॉर्मेट ये रखना था, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के और इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी। आगे मैं टेम्पलेट में गया, टेम्पलेट के अंदर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे डेट चली जाए कि ये इन्वेंट्री जो PDF में भेज रहा हूँ वो कौन सी डेट की है ये लिखा हुआ चला जाए। और ये जस्ट सिंपल सा मैंने एक मैसेज लिख दिया कि डियर सर प्लीज़ फाइंड इन्वेंट्री स्टेटस, ठीक है। उसके बाद में ये सेटअप वाली सीट है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अपनी API और टोकन ID वगैरह डालनी है। तो अब मैं आपको जो है सेंड करके दिखाता हूँ। तो ये जो है एक जो है मैंने ऑलरेडी मेरे नंबर पे सेंड कर रखा था टेस्टिंग के लिए। अब मैं जो है ये आपको सेंड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा व्हाट्सअप दिखाता हूँ। मेरे व्हाट्सअप पे अभी कोई मैसेज आया हुआ है नहीं। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेंड कर रहा हूँ। सो आप यहाँ देखोगे कि मेरे पास ये मैसेज आ चुका है, ये मेरी इन्वेंट्री जो शीट है वो आ गई। इसका नाम इन्वेंट्री शीट बन के मैंने लिखा था, वो इन्वेंट्री शीट बन के आ गई। यहाँ जो मैसेज ये था वो मैसेज आ गया है। अब मैं आपको इसको PDF में खोल के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से जो PDF है वो अटैचमेंट में चली गई, और उनको इस तरीके से ये पूरी की पूरी PDF जो है व्हाट्सएप पे चली गई। तो अपन एक फिक्स टाइम पे जब भी अपन चाहेंगे वो ट्रिगर सेट कर देंगे, तो उस टाइम पे डेली जो है 9 बजे 10 बजे जब भी आपको भेजनी है ये जो है PDF क्रिएट होके और ऑटोमेटिक जो है व्हाट्सएप पे चली जाएगी। तो इस तरीके का आपको सिस्टम हमसे बनवाना है तो हम बनाते भी हैं। और आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद दोस्त।